So good morning students, welcome here. So we are proceeding with trigonometrical identities. Another example, see what is that good. आपको trigonometrical identities कैसे prove करना है, इसका मैंने तरीका बता दिया है कि आपको पहले क्या करना होता है. पहले आप trigonometrical identities learn कर डालिए, वो formula जो आपको पहले बताया जा चुका है, और algebraic identities को आप learn कर लेंगे, ज़्यादा beneficial होगा आपके लिए. अब आप एग्जांपल देखिए, सपोज यू हैव टू प्रूव cos स्क्वायर थीटा 1 प्लस 1 माइनस sin थीटा cos थीटा अपॉन sin स्क्वायर थीटा 1 माइनस sin थीटा. आपने लेफ्ट हैंड साइड इसका ले लिया, तो क्या cos स्क्वायर थीटा 1 माइनस cos थीटा अपॉन sin स्क्वायर थीटा 1 माइनस sin थीटा दैट इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा को आप लिख सकते हैं 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा इन ब्रैकेट 1 माइनस cos थीटा कैरी ऑन कर दें. नीचे आप sin स्क्वायर थीटा को आप क्या लिख सकते हैं 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा 1 माइनस sin थीटा. ऐसा किया क्योंकि आपको देखिए कि ऊपर 1 sin आना है, यानी आपको cos को एलिमिनेट करना होगा, और आप इसे किसी फार्मूले से भी एलिमिनेट नहीं कर सकते, लेकिन cos स्क्वायर थीटा को आप sin स्क्वायर थीटा में चेंज कर सकते हैं. कैसे? cos theta is equal to 1 minus sin square theta. अब आप देखें यहाँ एक और algebraic identity मिल रही है, 1 को आप 1 square भी consider कर सकते हैं, a square minus b square, ये क्या होता है? In bracket 1 plus sin theta and 1 minus sin theta और आपके पास 1 minus cos theta, आप इसको carry on कर दें. Similarly a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यहाँ यूज करेंगे तो होगा 1 प्लस cos थीटा 1 माइनस cos थीटा इंटू 1 माइनस sin थीटा. अब आप कैंसिल कर लें, आप देखेंगे 1 माइनस sin थीटा से 1 माइनस sin थीटा कैंसिल, 1 माइनस cos से 1 माइनस cos थीटा कैंसिल, आपको मिला क्या 1 प्लस sin थीटा अपॉन 1 प्लस cos थीटा इज इक्वल टू आर एच एस. फिर आप देखें कि आपको जब भी ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज प्रूव करनी हो तो सबसे पहले आप ये देखते हैं कि क्या कोई डायरेक्ट फार्मूला आप अप्लाई कर सकते हैं. अगर डायरेक्ट फार्मूला है तो आप उसे तुरंत अप्लाई करें. अब आपको यहाँ पे साइन थीटा लाना है और आपके पास है कॉस स्क्वायर थीटा, तो आप कॉस स्क्वायर थीटा को साइन स्क्वायर थीटा में चेंज कर दें. नीचे कॉस लाना है तो आपको साइन को कॉस में चेंज करना है. फार्मूला इज देयर and after that you have to apply the formula a square minus b square and that is equal to a plus b a minus b. उसके बाद आप formula apply करने के बाद इसको solve कर सकते हैं. एक और example देखते हैं. suppose आपको prove करना है sin theta the left hand side है sin theta minus cos theta whole square. अब आप देखिए जैसे ही आप इस ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज को देखेंगे आपको तुरंत एक फार्मूला दिखेगा, ये लिखा है साइन माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर, दैट मींस इट इज इन द फॉर्म ऑफ होल स्क्वायर ऑफ ए माइनस बी, ए माइनस बी होल स्क्वायर का तुरंत यहाँ फार्मूला लिख सकते हैं. दैट इज इक्वल टू ए स्क्वायर मींस साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर मींस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस टू ए ए साइन थीटा इनटू बी कॉस थीटा. आप कंसीडर करें साइन ए की जगह है और कॉस बी की जगह है, ए माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी एंड फॉर्मूला इज देयर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा. याद करिए दिस इज द फर्स्ट फार्मूला, आई टोल्ड यू ये पहला फार्मूला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू जी हाँ 1 माइनस टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा. ये है प्रूव करना था आपको आर एच एस, ये प्रूव हो गया. लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड. तो इस तरह से आप ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज को प्रूव करते हैं.